हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज चारों तरफ बादल थे, फिर भी मैंने आधे पौधों में पानी लगा दिया था, उसके बाद बारिश आई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इस साल तो ऐसा हुआ ही है कि बादल आ जाते हैं लेकिन बारिश होती नहीं थी, तो इसीलिए मैं पानी देने का काम अपना पूरा रखती थी। तो क्योंकि फिर अगले दिन सुबह तक पौधे मुरझा जाते हैं और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी वीडियो भी शूट करनी थी और इतनी ज़ोर की बारिश आ गई, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है। तो आज हम शेयर करेंगे कैलेंचो प्लांट की वीडियो, जो कि हमने इस प्लांट को उठाकर शेड में रख लिया और यहीं पे हम इस प्लांट को ठीक करेंगे, क्योंकि गर्मियों में हमने आपसे इसके बारे में वीडियो शेयर की थी। और अब देखिए प्लांट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो अभी हमें इनको थर्मोपॉट में लगाना था, मैंने सोचा था इनकी कटिंग्स लगाऊंगी, लेकिन कटिंग्स के लिए अभी ये काफ़ी छोटे हैं, तो मैंने ये सोचा कि इनके जो मदर प्लांट हैं उन्हीं से ही नए नए गमले तैयार कर लेते हैं। तो इसमें एक प्लांट था जो कि ये पुराना हो चुका है, और फिर भी ऊपर आप इसकी शूट्स देखेंगे तो समझेंगे कि ये नई है, लेकिन ये प्लांट पूरी तरह सूख चुका है। इसकी पहचान कुछ ऐसे करनी है कि इसको हल्का सा स्क्रैच करके देखिए, पता चल जाएगा। तो ये देखिए पूरा सूख चुका है, लेकिन इसकी जो शूट्स हैं वो ग्रीन हैं। तो आप इनको अलग कर करके भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास पॉट्स हुए तो मैं इन छोटे छोटे प्लांट्स को भी अलग करके ग्रो कर लूँगी। फिलहाल मुझे मदर प्लांट भी ठीक करने हैं, क्योंकि इसमें खाद नहीं है और खाद देने का जो टाइम होता है वो रेनी सीजन में ही इनको ठीक करना होता है, क्योंकि गर्मियों से बचा के तो हम इनको ले आए हैं। मिट्टी में जब लगातार नमी बनी रहती है तो उसमें वाइट फंगस जैसा आ जाता है, लेकिन इसमें प्लांट खराब नहीं होता, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। आप चाहें तो मिट्टी में थोड़ा फंजीसाइड या नीम खली भी मिला सकते हैं। अब हम इस मदर प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट करेंगे, उससे पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके इसमें थोड़ा खाद मिला देंगे। खाद के लिए मैं गोबर की खाद ही ले रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कल मनी प्लांट को ठीक किया था तो जो टूल था वो बाहर ही रह गया, तो अभी हम हाथों से ही इसमें खाद मिला रहे हैं मिट्टी में, और बीच में इस तरह से ये पौधा लगा देंगे। और जो कैलेंचो प्लांट होता है वो बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाता है, फिर भी हमारे काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। शुरुआत में आप जब सीजन की शुरुआत हो तब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप शुरू से ही प्लांट को अच्छा रखेंगे तो वो आगे सीजन में फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। तो उसको उठाकर हमने बारिश में रख दिया, पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज बारिश हो रही है। ऐसे ही दूसरा पॉट तैयार किया मिट्टी की गुड़ाई की, और इसमें थोड़ा सा हमने काउडंग यानी गोबर की खाद मिला दिया। मुझे मेरे गमलों का पता है, इसीलिए मैंने इनको मिट्टी को बाहर नहीं निकाला, ड्रेनेज होल चेक नहीं किया। आप ड्रेनेज होल चेक करके और मिट्टी को बाहर निकालकर उसमें खाद अच्छे से मिक्स करें, तब पॉट में भरें। ड्रेनेज होल चेक करना ज़रूरी है, इससे पौधे बारिश में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब देखिए दूसरा हमारा छोटे पॉट में लगा था, इसको भी हमने इस 7 इंचेस के थर्मोपॉट में शिफ्ट कर दिया, जिससे आगे ये और खूबसूरती से ग्रोथ कर पाए। आप चाहें तो बाद में 20 से 25 दिन बाद मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा और इसमें खाद मिला दें। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। आप चाहें तो जो आप दूसरा खाद को यूज़ करते हैं अपने प्लांट में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब छोटी छोटी कटिंग हमने ये छोटे वाले पॉट में लगा दी, ये भी अच्छे प्लांट्स बन जाएंगे। और अभी सितंबर की शुरुआत हुई है तब हमने ये काम किया है, और अगर मुझे एक दो पौधे और बनाने होंगे तो मैं मदर प्लांट से ही एक दो कटिंग और लेकर नए पौधे भी तैयार कर सकती हूँ। अब ये जो मेन प्लांट है ये सेंटर में करना है, तो इसके लिए हमने इसको पॉट से बाहर निकाला, और इसमें खाद नहीं है इसीलिए इसकी रूट्स ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो अब इसमें खाद मिलाना भी ज़रूरी है, तो इस पॉट में भी हमने 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद मिलाया और वापस से इस प्लांट को सेंटर में ग्रो कर दिया। अब इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी फैल जाएंगी, फ्लावरिंग से पहले ही प्लांट अच्छे से तैयार हो जाएगा। वैसे भी जो हमारा मेन मदर प्लांट है वो तो हेल्दी है ही, और स्टेम भी इसका काफ़ी हेल्दी है, और ग्रोथ तो इतनी अच्छी होती है रेनी सीजन में, इसमें कलरफुल लीव्स आती हैं, वो मुझे फ्लावरिंग से भी ज़्यादा पसंद है। अब देखिए बेबी प्लांट्स इसमें साइड से भी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको सबको हटा दिया, और अब हम ये प्लांट सेंटर में पॉट में ग्रो करेंगे। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बार बार कह रही हूँ कि आप पॉट का ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर चेक कीजिए, और जब सॉइल में ओवर मॉइस्चर हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है पॉट का, तो तभी जाकर प्लांट स्ट्रेस में आता है और फ्लावरिंग नहीं होती है। हमने आपको पहले भी बताया है कैलेंचो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थोड़ा नीचे गिर रहा है क्योंकि अब इसकी रूट सेट नहीं है, जैसे ही रूट्स मिट्टी को पकड़ लेंगी ये गिरना बंद हो जाएगा। तो इसकी नीचे नीचे की हमने थोड़ी पत्तियाँ हटा दी, जिससे हमें पता चलता रहे कि कैसे प्लांट की कंडीशन है, और नमी भी यहाँ से एवोपोरेट होती रहे, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा। तो अब हमने इसमें मिट्टी और बढ़ा दी, जिससे प्लांट गिरना बंद हो गया और सीधा हो गया। तो अब हमने इसको भी बारिश में थोड़ी देर रख दिया। अब मैं इसको बारिश में रखकर नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी रूट्स नई नई हैं, अगर ये फैल चुकी होती तो परेशानी नहीं होती। तो अभी मैं इसको शेड में रख के जाऊंगी, और देखिए यहाँ सारा जितना भी मैस था वो सब क्लीन कर दिया है। टेरेस गार्डन में सब सामान होना चाहिए, तो यहाँ पे शेड भी है अवेलेबल जहाँ पे मैंने बैठ के वीडियो शूट की है, और इन प्लांट्स को मैंने शेड में उठाकर रख दिया जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। गर्मियों में अभी तक हमने कैलेंचो प्लांट को धूप से बचाकर रखा, लेकिन अब आने वाले सीजन में प्लांट को अच्छी धूप चाहिए होगी, तभी प्लांट अच्छी फ्लावरिंग कर पाएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।